दोस्तों ये एक ऐसा प्लांट है जो गर्मियों में अपनी खुशबू से जो है सबका मन मोह लेता है। बहुत ही सुगंध होती है इसमें। इनफैक्ट मैंने जो है कि अपने गार्डन में लगा के रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है और इसकी सुगंध तो ऐसी होती है कि बस हर कोई मोहित हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल मेरा बागीचा में। दोस्तों आप मेरे सामने ये जो खूबसूरत सा फ्लावर देख रहे हैं ये जो है कि मोगरा का है, जिसको कहीं कहीं इसको जो है बेला तो कहीं जैस्मिन भी बोला जाता है और गर्मियों में जो है कि इस पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं लगभग बहुत ही गिनती में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल आए हुए हैं, तो इस प्रकार से आप इस गर्मी में अगर अपने मोगरा पे या जैस्मिन पे फूल पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो ज़रूरत होती है कि जैसे ठंडी का सीज़न ख़त्म हो यानी कि बसंत ऋतु की शुरुआत हो, तो उस ऋतु में आप क्या करें कि इसके ये जो देख रहे हैं आप इसकी जड़ों में आप खाद का प्रयोग करें। खाद के लिए आप जो है गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वो सबसे सर्वोत्तम होती है। लेकिन कब करनी है आपको, केवल इसको जब बसंत ऋतु शुरुआत हो तब करनी है। अभी जो है गर्मी में किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है आपके जो है अपने मोगरा या बेला के प्लांट पे। उससे क्या होगा दोस्तों, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि आपके जो पौधे हैं वो जो है जल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं दिखा दूँ आपको कि इसके बगल में आप देख सकते होंगे ये जो है पत्ता इस समय 43 डिग्री टेम्परेचर पे तापमान पे ये सर्वाइव कर रहा है और इसकी हालत देखिए किस तरीके से ये हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ये भी कहना चाहूँगा एक बात कि आप अपने प्लांट्स का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखें। ये वही मधुमालती है जिस पर मैंने वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी और आप इसकी हालत देख सकते हैं कितनी बुरी हो गई है। ये केवल हुआ है गर्म हवाओं की वजह से। गर्म हवाएँ जब पछुआ हवाएं इधर से आती हैं तो इस पर टकराती हैं जिसकी वजह से ये जो है आधा का प्लांट जल गया है और ये नीचे का प्लांट जो है सरवाइव कर रहा है। दोस्तों मैंने किसी भी तरीके से इसको बचा के रखा है, जब बरसात आएगी तब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा। आता हूँ अपने टॉपिक पे। दोस्तों ये एक ऐसा प्लांट है जिससे आप गर्मी में बहुत अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सा मैं मेथड बताने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में और वो वीडियो जो है कि प्रैक्टिकली आपको बहुत ही काम आएगी अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और अधिक ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं मोगरा पे। तो सबसे पहले ऐसा कटर लेना होगा, या तो ये ऐसा कटर ले लीजिए या फिर आपके पास सीजर है तो सीजर ले लीजिए। उससे क्या होगा कि हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। अब प्रूनिंग कहेंगे इस मौसम में, जी हाँ दोस्तों प्रूनिंग करेंगे, लेकिन हम ऐसी प्रूनिंग करेंगे कि जिसमें इसके कोई भी तना को जो है काटना नहीं है। जैसे ये फ्लावरिंग खिल जाती है, फ्लावरिंग खिलने के बाद हम लोग इसको छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि इस फ्लावर को खिलने के बाद इसकी जो पंखड़ियाँ गिर जाती हैं उसको छोड़ देते हैं ऐसे। दोस्तों मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं इसको काट देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने प्रून कर दिया है। जब प्रून किया है तो नए सिरे से ही यहाँ पे ये सारी अधिक से अधिक ब्रांचें आई हैं, या जो देख रहे हैं नई ब्रांचें हैं, और जितनी नई अधिक ब्रांचें आती हैं उस प्रकार से नए ये जो देख रहे हैं नए इस पर कलियाँ खिलती हैं। तो दोस्तों करना क्या है आपको, सिंपली आपको इस तरीके से औजार ले लेना है, कटर ले लेना है या सीजर ले लेना है, और जितनी भी एरिया है ये खिली हुई कलियों का जिसमें फूल खिल गए हों उसको सिंपली इसको काट के निकाल देना है। जितने भी आपके नोड एरिया जिस पे फूल आ चुके हैं उसको काट के निकाल देना है। सिंपल यही हर एक चीज़ पे करना है, हर एक ब्रांच पे। यहाँ से देखिए मैं इसको काट के ऐसा निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो है कि फूल खिले हुए हैं, यहाँ से ऐसे काट करके सबको निकाल दीजिए। यहाँ पे ये देख लीजिए मैं इसको काट के निकाल दे रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे इस सारे जो है ब्रांचों को काट के निकाल दीजिए। जब काट करके निकाल देंगे तो इस तरीके से आपकी नई ब्रांचें निकलेंगी। दोस्तों अगर इसको काट के नहीं निकालते हैं तो ये क्या करता है कि हैवी खुराक खोजता है, यानी कि इस वाली ब्रांच में बहुत ज़्यादा भोजन की मात्रा ये तने के माध्यम से पहुंचती है और सारी जो टहनियाँ हैं उस पर प्रॉपर मात्रा में भोजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से हमारी फूल जो हैं वो फ्लावरिंग देना बंद कर देते हैं।
सेम प्रोसीजर हर एक ब्रांचों में करना है। धीरे धीरे आपको जो है सीजर के माध्यम से या फिर कटर के माध्यम से काट देना है। जब काट देंगे दोस्तों तो कुछ हफ्तों बाद, एक दो हफ्ते बाद देखेंगे आप कि इस तरीके से फिर से नई ब्रांचें निकल आएंगी और फ्लावरिंग जो है इस तरीके से शुरू हो जाएगी। जब इस पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आया था तब मैंने इस पे वीडियो शूट किया था, उसकी वीडियो जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें खाद भी डाला था मैंने, तो फर्टिलाइज़र कब डालना है तो केवल ठंडी की जब समाप्ति हो और बसंत ऋतु का समय हो, तो बसंत ऋतु के आने पे इस प्लांट्स को हमें तैयार करना है ऐसे ही फ्लावरिंग के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप कुछ काम करके इतने सारे जो फूल हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अनगिनत हैं, मतलब मैक्सिमम मात्रा में आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। मैंने ये मोगरा जो है विशेष किसी गमले में नहीं लगाया है, एक कंटेनर है उसमें मैंने इसको काट करके लगाया है और काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ये मोगरा लगभग 5 फीट लंबाई का हो गया है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है हर ब्रांच पे। ये देखिए, इस पे प्रूनिंग किया था तो नई नई ब्रांचें निकली हैं, इस पे इतनी सारी कलियाँ आई हैं, और यहाँ पे भी देख लीजिए आप, इस पे भी कलियाँ निकली हुई ढेर सारी, इस ब्रांच इधर भी कलियाँ निकली हुई हैं। जहाँ जहाँ भी आपको ऐसे फ्लावर खिल जाएँ उसको पिंचिंग कर दीजिए, तो इस मोगरा पर आप गर्मी में बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।